वालेकुम। आज का खाना भी तारीफ दाऊद। आज के खाना में जो रेसिपी बनने जा रही है बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी, इंडो पाक की मशहूर रेसिपी, मगर बनती बॉम्बे में है और बॉम्बे पाया के नाम से मशहूर है। यकीनन आपको अच्छी लगी कि नए तर्ज के पाए आए चल के बनाते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। मेरे साथ जल्दी से चले, हम बनाते हैं बॉम्बे पाया। दरूद शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के आज की रेसिपी बॉम्बे स्टाइल पाया, और बॉम्बे में पाया असल पाया हैदराबाद दक्कन और बॉम्बे का ही होता था। यहाँ लाहौरी पाया हमने कई बार आपको सिखाया। बॉम्बे पाए में कुछ ऐसा फ़र्क है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सर्दियों के इस मौसम में पाए बेहतरीन लगते हैं। मटन के पाए बनाएंगे एक दर्जन। यहाँ पे मैंने दो बड़ी प्याज को बारीक कट के डाल दिया था। ऑयल एक प्याली लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने प्याज को बहुत लाल नहीं किया, क्योंकि प्याज अगर लाल हो जाती है तो शोरबा बहुत काला हो जाता है, क्योंकि पाए में खुद में जो है वो उसकी स्किन की वजह से शोरबे को काला करते हैं। यहाँ पे एक दर्जन पाए इसमें आ गए। पाए आ जाने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून हल्दी। बेहतरीन तरीके से पाए को चढ़ाएंगे, और यही तरीका पाए चढ़ाने का है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में मैं बैलेंस कर लूँगा कि नमक कितना कम है। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के गया ज़ीरा। मसालों के साथ पाए को कभी ना चढ़ाए करें। मैं बहुत सारी रेसिपीज देखता हूँ जहाँ मसाले के साथ चढ़े हुए होते हैं, जहाँ पाए का कलर इंतहाई काला होता है। यहाँ पे गर्म मसाला जिसमें आपको नज़र आएगा दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च लौंग हसब ज़रूरत ले लें। अब इसकी करेंगे यहाँ खड़े रह के फ्राई। थोड़ी सी फ्राइंग इसलिए ज़रूरी थी कि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए, वरना प्याज मेरी जो है वो कलर पकड़ जाती। अब इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। उस स्टेज पे भी डाल सकते थे, मुझसे थोड़ी सी गफलत हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट रह गया था। यहाँ अब ये तमाम चीज़ों को फ्राइंग करेंगे, यहाँ तक कि अदरक लहसुन को थोड़ा सा कच्चापन उसका दूर कर लेंगे। यहाँ पाया सूप भी बहुत अच्छा बनता है बॉम्बे में, और इंशाल्लाह कल के एपिसोड में आपको मैं बॉम्बे स्टाइल का हरा सूप या पीला सूप, जिसे जो है मोहम्मद अली रोड पे बहुत मशहूर आउटलेट है बड़े मियां, वहां का सूप है जो साल में एक बार ही बनता है एक महीने के लिए, वो भी बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको एक बॉम्बे सीरीज में अच्छे से अच्छा खाना दिखा दिया जाए। इसकी फ्राइंग कर लेते हैं। वाजे तौर पे ऑयल की चमक नज़र आ गई, यानी कि इसमें अब कोई किस्म का मॉइस्चर नहीं है। देखें बेहतरीन तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पे चला गया हसब ज़रूरत पानी, मैं कुकर में गला रहा हूँ, आप इसको पैन में भी गला सकते हैं। चलिए पाए हमारे पानी में डूब गए, और सेटल डाउन करके लगा देंगे ढक्कन, गला लेंगे यहाँ तक के जो आपका कुकर टाइम है उस हिसाब से गला लें। पतीले में गला रहे हैं तो चेक करते रहें, क्योंकि इसकी असल भुनाई अब होनी है। कुकर का ढक्कन, और इसको अब मज़े से गला लेंगे। चलिए कुकर का ढक्कन खोल दिया। यहाँ पे 75% पाए मेरे गल गए हैं। अब मैं 25% पाए जो हैं वो मसाले के साथ पकाऊंगा। हम क्या करते हैं, या तो मसाले के साथ डायरेक्ट पड़ा बनाते हैं जिससे कलर बहुत ख़राब हो जाता है, या फिर इतना गला लेते हैं कि कोई भुनने का अमल हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च ले लें, 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे पाए का। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला की वीडियो आज का खाना पे है, आज का खाना के चैनल पे है, ज़रूर देखें। और 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर आ गया, और इसकी अब हम करेंगे कुछ देर के लिए भुनाई, ताकि ये जब हम इसको 25% और गलाएं तो मसाले के साथ पके, मसाला अंदर तक इसके चला जाए। ये थोड़ी सी टिप होती है कि हम क्या करते हैं, मैंने क्या आपको कहा कि गलती ये करते हैं, या तो डायरेक्ट मसालों में पकाते हैं तो उससे काले हो जाते हैं, और या तो फिर हम बहुत गला के हम भुनने की पोजीशन में नहीं रहते कि मसाला डालने के बाद इसकी भुनाई कैसे करें, और पाए बिल्कुल रेजा रेजा हो जाते हैं। पाया अपनी थोड़ी सी साख सलामत रखे तो ही खूबसूरत लगता है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ इसको
सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाऊंगा और फिर इसका ढक्कन फिर से लगा के 25% फिर गला लेगा। जैसे ये देखें गुनाई करके तरी बाहर आना शुरू हो गई। बस इतनी स्टेज पे मुझे यहाँ पे अब रिक्वायर्ड पानी शामिल करना है जो फाइनल पानी जा रहा है पाए के लिए, ताकि हमें जितना शोरबा रखना है ये देखें इतना शोरबा। और एक चीज़ जो एंड में जाएगी वो इसे गाढ़ा भी करेगी और बहुत मज़े का करेगी, थोड़ा सा सस्पेंस रेसिपी देखने के लिए, ताकि आप एंड तक रेसिपी को चेक करें कि मुंबई पाया या मुंबई पाया के लिए मैंने क्या किया था। इसको लगाते थे फिर से एक ढक्कन। चलिए पाए बहुत अच्छी तरह गलाने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया था। अब आपको क्या बताना है बॉम्बे पाए के लिए या मुंबई पाए के लिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा बेहतरीन तरीन शोरबा चिकना। और जो मैंने टिप बताए थे कि प्याज को लाल नहीं करना, उसकी वजह से पायों का कलर भी बेहतरीन आ गया है। यहाँ बॉम्बे पाया में जो है वो बहुत ज़्यादा इसको ऑथेंटिक समझा जाता है। चने की दाल को बॉयल करके कच्ची दाल भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 25% दाल को उबाल लिया था ताकि दाल भी इस शोरबे में पके। और ये दाल पाया पाकिस्तानी पंजाब में भी बहुत समझा जाता है, मज़े का समझा जाता है, मगर हम यहाँ पे बॉम्बे पाया में मेरे लिए तो मेरा तो बहुत फेवरेट था। मेरे फादर मरहूम का इतना था कि यहाँ के कैटरर से जब वो दाल पाया बनवाते थे तो पता नहीं क्या क्या बन जाता था। खैर ये बन गया, इसको ढक्कन लगाएंगे और मेरा ख्याल है 10 मिनट में जो है मज़ीद इसको दाल के साथ गला लूँगा। चलिए दाल के साथ भी 10 मिनट पकाया, बेहतरीन तरीन खुशबू, बेहतरीन तरीन जायका, और जो बॉम्बे पाए की फील है ये देखें, उफ मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगा, ये देखें पाया कैसा गला है और दाल को भी ऐसे गलाएं कि साबुत तो रहे मगर अच्छी गली भी हो। यहाँ पे आखिर में इसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ और हमारा जो है विंटर स्पेशल में बेहतरीन तरीन बॉम्बे पाया रेडी है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगे तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सर्दियों सर्दियों में ही जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और कमेंट की बहुत ज़रूरत है। आए इसको प्रेजेंट करते हैं और मज़े लेते हैं ज़बरदस्त से बॉम्बे पाया के।